And we are live. Hi Vani, how are you? I'm good, how are you? I was about to say hi Vani, how are you? Welcome to Chalchitra Talks. ज़्यादा तो गए ना गेस्ट एपिसोड्स की. फ्राइडे केम इन अर्ली दिस वीक. आज हम बहुत टाइम के बाद एक गेस्ट एपिसोड लाइव स्ट्रीम के जैसे कर रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. तो हमने ये तो रिवील तो कर ही दिया हमारे गेस्ट कौन है, बट लाइक वील स्टार्ट विद द एपिसोड विद हिम इन अ फ्यू मिनट्स. बट उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस महीने की जो हमने चैनल पे किताब उठाई है थ्री बॉडी प्रॉब्लम, वानी हमने पढ़ना चालू कर दिया? यस, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट. आई हैव फिनिश्ड द सेकेंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर आज रात खत्म हो जाएगा. सो फार नाइस. इट्स ओके, इट्स गुड. लाइक नथिंग इज हैपनिंग टू बी ऑनेस्ट. या नथिंग इज हैपनिंग. या आर यू नर्वस? रेड कोस्ट आर यू आया, नर्वस? रेड कोस्ट चैप्टर. नो, आई एम स्टिल ऑन व्हाट्स दैट स्टार. गॉट इट. या शी इज रीच्ड द वो जो ऊपर वाला हाँ एरिया हाँ है हाँ व्हिच हाँ इज हाँ टियर्ड फोर. या 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 Do you feel nervous? So many people are, if they like, they might judge you for the book. नहीं. Are you? सो आई हैव अ वेरी गुड बैकिंग देयर. रोहन जोशी ने पहले चैनल पे रिकमेंड की थी, श्रेया धन्वंतरी ने की थी, एंड आई डोंट नो. मतलब मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ किताब को लेके. बट बाय द वे आई वॉच्ड अ वेरी वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री टुडे जो मैं जिस पे कल शायद वीडियो बनाऊँगा. मैं तो काफ़ी थोड़ा रोना धोना भी हो गया था उसको देख के. इट्स अ वेरी वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट टू एवरीवन. इट्स कॉल्ड डिक जॉनसन इज डेड. इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. डू यू वॉन्ट टू नो द प्लॉट? इट्स वेरी वेरी हाँ, नहीं, इट्स काफ़ी अच्छा. मतलब इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री का मैं बता सकता हूँ. सो इट इज़ अ बुक अबाउट, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट अ डॉटर डॉक्यूमेंटिंग अ फादर इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ एंड ही हैज़ डिमेंशिया एंड ही इज लूजिंग हिज मेमोरी. थिंक आई हैव हर्ड ऑफ दिस. आई थिंक आपने ही बताया था पहले. मे बी नहीं आई डोंट मैंने नो. नहीं बताया हुआ क्योंकि मेरे को अभी किसी में इसके बारे में लाइक राहुल देसाई ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है. वारन ग्रोवर आल्सो रिकमेंडेड इट, तो मैंने तो अभी देखी थी. तो इस पे मैं काफ़ी अच्छा एक मेरे को लग रहा है वीडियो बनाऊंगा. मतलब उसमें मैं सिर्फ स्पॉइलर वॉइलर देकर बात करूंगा क्योंकि मेरा मन बहुत है इसके बारे में बात करने का. नाइस. तो शुड आई कन्फेस समथिंग? हाँ जी. थ्री बॉडी प्रॉब्लम में जहाँ भी फिजिक्स आ रही है, आई थिंक अबाउट इट फॉर अ टाइम एंड आई थिंक आई विल गूगल इट एंड आई विल अंडरस्टैंड इट बेटर. बट देन आई एम जस्ट स्किपिंग दोज फ्रेजेस डोंट नाउ. स्किप इट, डोंट थिंक टू हार्ड अबाउट इट. दैट वुड बी माई सजेशन. मतलब ऐसे लोड मत I'm लेना reading all of them या right now. I'm just रीड करो क्योंकि skipping इट द होल them. ट्रिलॉजी इज अबाउट दैट. बट But I'm not really working hard on deciphering what that means. I hope that's okay. अभी तक आई थिंक क्या, मतलब आप समझ जाओगे व्हेन यू वुड, आपको अपने आप क्लिक कर जाएगा कि आई नीड टू पे अटेंशन हियर. Okay, और got ये it. बनाई सबके लिए एक्सेसिबल है, उस हिसाब से ही बनाई गई है. 70 लोग आ गए हैं चैट में. हाई Guys, do like this stream. या गाइज लाइक करो स्ट्रीम और जिससे कि और लोग आए. एंड अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. बाहर यार कोई कुछ तो शादी की आवाज़ हो रही हो, बहुत डर लग रहा है एकदम से कुछ We हो ना can't सके. hear it. We can't hear it अभी तक. हाँ थोड़ा मेरे लिए भी डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है, बट नहीं चालू करते हैं. एंड लाइक विदाउट विदाउट क्या होता है, मच अडू या फर्दर अडू? भी जल्दी Without much ado. विदाउट फर्दर अडू लेट्स इंट्रोड्यूस, नहीं फर्दर होता है ब्रो. विदाउट फर्दर अडू लेट्स इंट्रोड्यूस द गेस्ट वी हैव फॉर टुनाइट. इंट्रोडक्शन वानी ने मेरे को कहा था वो देंगी, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ही इज वेरी वेरी मैं कैसे बताऊँ. इनकी अभी एक बहुत नई अच्छी किताब आई है. ही इज नोन ऑल अक्रॉस द इंटरनेट और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं ही हैज़ बीन अ मेंटर टू देम एंड ही इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द क्रिएटर्स इकोनॉमी. एंड वानी भी इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हैं. आई थिंक एवरी वन नोज की हुज़ आर गेस्ट, बट ही वर्क्स विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड क्रिएटर्स. एंड वैभव ने जैसा बताया, ही इज़ अ बिग नेम इन द क्रिएटर इकॉनमी एंड ही इज़ ऑल्सो अ फाउंडिंग मेम्बर ऑफ जोश टॉक्स. एंड उनकी एक नई किताब आई है विच इज़ डिजिटल बूमिंग स्टार्स, एंड वील बी टॉकिंग
टॉकिंग टू हिम अबाउट द सेम एंड उनकी हम रिकमेंडेशंस भी लेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड. सो गाइस डू हाँ, लाइक और दिस हम शो. उनसे ये भी पूछेंगे कि हमारे अभी 81,000 सब्सक्राइबर हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर फेब एंड तक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सो लेट्स हैव मिस्टर मनीष पांडे ऑन बोर्ड. मनीष, प्लीज़ अपना कैमरा चालू कर लीजिए. हाय. हाय हाँ गाइस, मैं दिख रहा हूँ. हाँ दिख रहे हो दिख रहे हो. तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया यार. अभी आप मैं सुन रहा था आप लोगों फर्दर अडू और अडू के बारे हाँ में बात कर रहे थे. मैंने बोला यार अंग्रेजी कितनी कंफ्यूजिंग भाषा है ना, कि मतलब हम मतलब बोल सकते थे कि चलो हम इंतजार कर रहे हैं जिसका उसको बुलाते हैं, खत्म हिंदी में. हाँ और वो वही वही अटक गए वहां चढ़ू या पदर. आपको क्या लगता है सही क्या यार स्पॉट पे मत डालो, लाइव है, मेरे को अंग्रेजी कम आती है. है? नहीं मैं भी मैं बता रहा गलत ही हूँ. बोला, हम दोनों ने अलग अलग बोला. हाँ, आई इसलिए सेड मच वानी वो सेड किताब, मच. हाँ जब वो किताब कर रहे थे ना, तो हर्ष भाई मेरे को ऑथर हैं, तो जो है कि MBA कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, IIM में और ISB में और माइका में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं वो, एडवर्टाइजिंग पढ़ाते हैं. तो मैंने उनको कहा था कि देखो हर्ष भाई, मेरी अंग्रेजी बहुत जो है कि एकदम बेसिक है, तो IS/MR वाली इंग्लिश लिखते हैं जो हाँ मुझे खुद भी सब पढ़ के समझ में आए. और फिर हमने किताब एक्चुअली वैसी लिखी. सो वेरी नाइस. बट बहुत सारी बातें करना चाहते हैं हम आपसे. एंड हाँ हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो आपने आपकी जो ये स्टडी है लाइक क्रिएटर इकोनॉमी को लेके, यूट्यूब को लेके, एंड लाइक ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन रिगार्ड टू इन्फ्लुएंसर्स, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई एंड लाइक आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए. बेसिकली नोइंगली अनोइंगली मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थोड़ा बहुत, या कंटेंट क्रिएटर मार्केटिंग जो भी आपका हो, थोड़ा बहुत कर रहा था. मैं 2015 में 16 में बैंगलोर में था, और मैं एक डिजिटल एजेंसी के साथ काम करता था, और बहुत सारे हमारे जो है कि पार्टनर क्लाइंट्स होते थे, जैसे IBM, Diageo, और वो ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग से थोड़ा अलग हटना चाहते थे. और तब हम बड़ा बड़ा सारा ट्विटर पे कैंपेन और ब्लॉगर एंगेजमेंट प्रोग्राम वो सब करते थे. हम ब्लॉगर्स को साथ बुलाते थे, और जैसे Diageo का होता था तो वो लिकर कंपनी है, तो वो लोग जो है कि सिंगल मॉल्ट टेस्टिंग और ये सारे सेरेमनीज उनके करते थे. तो मेरा काम होता था कि मैं इन ब्लॉगर्स को ढूंढूँ और उनको बुलाऊँ. बाद में समझ में आया कि अच्छा, इसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कॉन्टेंट क्रिएटर इकोनॉमी या जो भी कहते हैं. बट मेरे हिसाब से तो हमारे देश में अभी इसकी शुरुआत ही हुई है. अभी तो देर इज अ लॉट दैट वी विल सी. एंड मैं आया कैसे, एक तो वो था, उसके बाद मैं ना फिर रिलायंस आ गया था. 2017 में मैं रिलायंस में था. मैं कैप्टन रघुरमन के साथ काम करता था उनके टीम में, तो मैं उनको रिपोर्ट करता था. हमारा यूनिट था सिक्योरिटी, न्यू वेंचर और रिस्क, और मेरा काम ये था कि मैं रिलायंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग पे थोड़ा बहुत कोच करता था, और बाकी जो जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स क्या कंपनीज है, जैसे कभी जियो के साथ स्ट्रेटेजिक मीटिंग करना, उनके मीटिंग्स में बैठना, यू नो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करना, उसके अलावा फाउंडेशन को कुछ बताना, वर्कशॉप. बेसिकली मैं वर्कशॉप ही करते रहता था. मेरा फुल टाइम जॉब था कि मैं हर जगह जाके वर्कशॉप करूं और सबको बताऊं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग, जो भी मैंने सीखा था अपने 4-5 साल के उसमें, और फिर मैं मतलब पढ़ पढ़ के तो वही सब करता था. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहो, मुझे ना रणवीर मिला, बियर बाइसेप्स, जिस आप जानते हो हाँ वो जी. भी. तो रणवीर मुझे मिला, वो एक टेडेक्स बैंड्रा टॉक देने आया था, और वहाँ कैप्टन रघुरमन भी टॉक दे रहे थे, तो मैं उनके साथ गया था. बिकॉज यू नो मैं और अर्जुन मेरे मित्र जो रघु सर के ये होते थे, तो हम दोनों साथ गए थे, और वहां पे रणवीर को मैंने देखा टॉक दे रहा था. तब उसके कुछ 98,000 सब्सक्राइबर टाइप कुछ थे, मैंने उसको देखा, और फिर टॉक वॉक हो गया, और हम बाहर चाय पी रहे थे, हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, और रणवीर आया मेरे पास और बोलता है ऐसे टिपिकल, ब्रो आई वांट टू टॉक टू यू. हाँ तो मैंने बोला अच्छा, अचानक मेरे से क्यों बात करनी है. तो फिर बोलता है
नो 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 द वे यू आर लुकिंग एट मी आई थिंक यू हैव समथिंग टू टेल मी, थोड़ा सा अनकैनी था. तो मेरा थोड़ा सा एक अलग अलग साइड है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ. मतलब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती है कि मतलब उनके साथ क्या चल रहा है, और बड़ा बड़ा अनएक्सप्लेनेबल है. मतलब साइंस नहीं समझा सकती उस चीज को, तो उस तरीके वाह का एक चीज है. तो मैंने रणवीर को फिर मैं साइड ले गया. मैंने बोला यार थोड़ा सा अनकैनी है, आई सॉ फ्यू थिंग्स एंड और मैंने कुछ जो चीजें बताई तो उसको उसको लगा कि यार ये सारी जो चीजें आप मुझे बता रहे हो ये तो किसी को नहीं पता मेरे बारे में, आपको कैसे पता है. तो मैंने कहा यार आई डोंट नो एंड लेट अस नॉट थिंक अबाउट इट, आई मीन जस्ट जस्ट लेट इट बी. वो हुआ, हम मैं चले गया, वो चले गया. फिर हम फिर से अचानक 3-4 महीने के बाद फिर मिले एक एक ऑफिस में रैंडमली. मैं वहां कुछ करने गया था, वो वहां पे आया था. एंड देन फिर हमारी बातें हुई. एंड देन तब रणवीर वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ फ्यू थिंग्स इन हिज लाइफ. तो एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर ब्रदर, आई हेल्प हिम विद ऑल ऑफ दोस. एंड देन बिकॉज मेरा बहुत थोड़ा बहुत समझ था कंटेंट वगैरह को लेके, तो आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम थोड़ा बहुत. ही यूज्ड टू कॉल मी और मैं ये कंटेंट पीस कर रहा हूँ कैसा रहेगा, मतलब ये स्क्रिप्ट है आप एक बार देखोगे क्या. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. और फिर धीरे 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 हमारी दोस्ती बढ़ी. फिर रणवीर ने मुझे विराज से मिलाया, रजत से मिलाया, बाकी टीम मेंबर से मिलाया. फिर मैं विराज विराज का मॉन्क एंटरटेनमेंट जो उनकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है उसको बनाने के जद्दोजहद में था. तो तब मैं जो स्टॉक्स आ चुका था 2018 में, तो रणवीर और विराज जब भी दिल्ली आते थे तो जो स्टॉक्स ऑफिस आते थे, हमारे पूरी ऑफिस को बड़ा अच्छा लगता था जब वो आते थे. तो शोभित, सुप्रिया हमारे को फाउंडर्स और बाकी के टीम मेंबर्स, हमें सब अच्छा लगता था. तो इट वॉज अ गुड फ्रेंडली काइंड ऑफ एन इन्वायरमेंट. फिर पता नहीं मैं इस दलदल में कैसे फंस गया. फिर एक कॉस्मो का कोई इवेंट था, कॉस्मोपॉलिटन जो मैगजीन होती है उसकी उसका इवेंट था. तो रणवीर ने मुझे बोला कि नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, मुझे अवार्ड मिल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. तब ये कट टू 2019 19 वगैरह की बात, नहीं 19 नहीं, आई थिंक 18 की ही बात है, 18 की मिड की बात है. तो वहां पे मैं पहली बार, वहां पे मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से रणवीर ने मुझे मिलवाया, प्राजक्ता से, भुवन से, बहुत सारे लोग, बहुत लोगों से मैं मिला. और रणवीर वो बड़ा जॉली सा लड़का है, तो वो ऐसे मतलब बड़े गर्व से मुझे मिलवा रहा था, मीट मीट माय ब्रदर मनीष एंड इज चेंज माय लाइफ, और वो ऐसी मतलब बड़ी बड़ी बातें ऐसे वैसे. फिर दोस्ती हो गई सबसे एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद एवरीबडी इन इन दी कंटेंट क्रिएशन फील्ड. एंड फिर मतलब जिसको जहाँ जो लगता था कि आई कुड एड सम वैल्यू, वो अभी भी मुझे कॉल करते हैं. और मतलब आई जस्ट मैं थोड़ा बहुत सजेशन इधर उधर कर देता हूँ एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू इट. एंड फिर वही हुआ कि शायद सॉल्यूशंस लोगों को मिलते रहे, इसलिए वो जो है कि दोस्ती बनी रही. और इट्स ऑलवेज मतलब आई थिंक आई फील आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी दैट इन लोगों से बात बात करके मुझे भी बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला है. थोड़े दिन मैंने पहले सीखा चैट में ओपी लिखते हैं, तो आई डोंट नो लोग ओपी लिख रहे हैं या नहीं, चैट में दिख रहा है आपको. लोग तारीफें तो बहुत कर रहे हैं आपकी. मनीष भाई लाइक गॉडफादर है कंटेंट अरे ये क्रिएटर बहुत ऐसे बड़ी के. बड़ी बातें नहीं बोलना चाहिए, गॉडफादर कोई किसी का नहीं होता. बहुत सारे सवाल है मेरे पास, तो मैं तो एक एक करके पूछूंगा. वानी कुछ नहीं बोल रही, वानी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आई मीन यू वुड ओके आई एम सो सॉरी, आई वॉज इनग्रॉस्ड इन द स्टोरी, बट आई वॉन्टेड टू टेक योर बुक रिकमेंडेशंस. अभी आपने, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी आपने डिजिटल बूमिंग स्टार्स भी लिखी, सो वट आर द बुक्स दैट यू वुड रिकमेंड टू पीपल? आई थिंक अभी कुछ देर पहले कमेंट भी आया था कि आप बिगिनर्स को जो कॉन्टेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, वट आर द बुक्स जो आप उन्हें रिकमेंड करोगे? मैं बुक रिकमेंडेशन ना मेरा थोड़ा सा अलग टाइप है, आई डोंट नो बड़ा. मैं बुक्स को ना थोड़ा सा एज एज ग्रैप एज ब्रैकेट में, नॉट दैट वी शुड पुट एनीबॉडी इनटू ब्रैकेट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर बनाते हैं तो फाउंडेशन हम पहले मिट्टी खोदते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं उस तरीके से. सो मुझे लगता है कि बुक रीडिंग इज अ रोमांटिक अफेयर. मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा रोमांटिक और कुछ नहीं हो सकती, राइट? मुझे ऐसा लगता है, आई मीन आई माइट बी रॉन्ग. तो किताब के साथ आपका संबंध जो है वो
उसका बिल्डअप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं सबको कहता हूं कि एनसीईआरटी की 6 से लेके 9 तक की, यदि आप भूल गए हो तो आप हिस्ट्री की किताबें जरूर पढ़ लेना एक बार, ज्योग्राफी नहीं, सिविक्स नहीं, हिस्ट्री की किताबें, नाइस ठीक है। और हमें ना बहुत कुछ याद रह जाती है, बहुत कुछ नहीं रहती है, रिविजिट करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अनबैलेंस्ड किताब है, सिर्फ मुगलों के बारे में लिखा हुआ है, नॉट एक्चुअली वैसा नहीं है, लिखा सबके बारे में, हमको याद जिस तरीके से चीजें रही हैं उसके वो चीज हमें जो है याद रह जाती है। तो एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आई थिंक पढ़नी चाहिए लोगों को। उसके बाद यदि मैं किसी को कहूँ किताब पढ़े, तो जैसे डिपेंड्स अपॉन व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, है ना, कि जैसे यदि आप 12th के बाद ही निकल के जॉब में लग गए, मेरी तरह, जैसे मैं 12th के तुरंत बाद जॉब्स में लग गया, तब आप क्या पढ़े। यदि आप फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या जो कुछ भी होता है, तब तो आपके कोर्स के इतनी किताबें होती हैं कि आप क्या पढ़ोगे दूसरी कुछ, है ना। बट यदि आपको अच्छा लगता है, तो थोड़े दिन पहले ना मैं मिस करता हूँ कि मैंने बहुत सारी फिक्शन की किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि लाइफ में आरओआई निकालने में बिजी था मैं, कि मैं क्या पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। तो वो आरओआई के चक्कर में ना आरओई खत्म हो गया, यू नो, रिटर्न ऑन इमोशंस नहीं है मेरे बहुत पास, सही, ये बहुत ही प्यारी है बात ना। बोली आपने, मजा तो आ गया। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज स्टार्ट फिक्शन, साइंस फिक्शन किताबों से करें, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिक्शन, साइंस फिक्शन पढ़ने की, मेरे से होता नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे तो आपको छोड़ा एक बता सकता हूँ, आप हमेशा हमारे साथ जुड़िए। वानी महीने की एक किताब बताती है जो हमारा पूरा चैनल साथ में पढ़ता है, और हम इस महीने साइंस फिक्शन ही पढ़ रहे हैं। अरे आप मेरे को प्लीज वो ग्रुप में ऐड कर दीजिए, जैसे भी हो हाँ, सकता है आई विल कम, है डन डन डन। और ये ना। किताब का नाम है, हाँ, थ्री बॉडी प्रॉब्लम, एक साईफाई अरे किताब बढ़िया, पढ़ रहे हैं वानी। इनको लाइक मनीष को बुक क्लब में ऐड कर लेते हैं, काफी कूल हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ तो मतलब मैंने ना हमेशा वही किताबें पढ़ी जिससे आप थोड़ा सा, यू नो, क्योंकि क्योंकि मैं कॉलेज गया नहीं, तो मेरे पास फाउंडेशन नहीं था, तो मैं नौकरी कर रहा था, राइट। तो हाँ, मैं, और किताब पढ़ना भी, एक्चुअली नौकरी मैंने 2007 से करनी शुरू करी, और किताब पढ़ना चाहिए ये ज्ञान मुझे 2011 में आया कि भैया तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई किया नहीं है, खुद तो पढ़ो, तो वो वाला सीन, है ना। तो और जब मैं रिलायंस में आया ना एक्चुअल, तो कैप्टन रघुरमन सर ने रगड़ दिया मुझे, मतलब यार वो इंसान है ना, साल के, आई एम नॉट इवन किडिंग, 100 किताबें तो पढ़ लेते होंगे, मतलब आई थिंक मैं कम ही बोल रहा हूँ। उनके घर, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, ये लाइव है और ये कोई क्लिप काट के उनको भेजना दे, बट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट। उनके उनके घर आप जाओगे ना, बम्बई में रहते हैं वो, तो उनके घर जाओगे तो उनके लिविंग रूम का जो एक दीवार है, पूरा दीवार, वो पूरा दीवार बुक शेल्फ है, और उस बुक शेल्फ में वो किताबें जाती है जो उन्होंने पढ़ ली है, और वो बुक शेल्फ भरा हुआ है। तो आई डोंट नो कि उसमें कितनी किताबें हैं, आई एम श्योर 700 800 1000 किताबें तो होंगी, बट ओवर द ईयर्स, इन इन 7 to 10 ईयर्स या 12 ईयर्स, जो भी जितने भी टाइम से वो बॉम्बे में है, उन्होंने वो किताब, और वो किताब खरीदने बड़ा अजीब तरीके से जाते हैं वो, ही हैज बुक शॉपिंग, तो वो किताब खाना जाते हैं खाली डिक्की लेके, और फिर किताब भर के लाते हैं अपने गाड़ी के डिक्की में, तो आप इमेजिन कर लो कि वो कितनी किताबें पढ़ते होंगे, राइट। तो उन्होंने हमें बहुत जो है कि वो ना कैसा होता था, वो ऐसे उनका एक टिपिकल स्टाइल है, वो उनका कैबिन के सामने मैं और अर्जुन हम बैठते थे, और वो कभी भी ऐसे बुला लेंगे, टाइगर कम इन, ऐसे बोलते थे वो, तो हम लोग अंदर जाते थे, फिर वो कुछ कुछ करेंगे, फिर अचानक एक कोट कहेंगे और एक पेज नंबर बोलेंगे और एक किताब का नाम कहेंगे और उसके ऑथर का नाम कहेंगे, और बोला रीड दिस बुक। अब उन्होंने यदि ये कह दिया ना रीड दिस बुक, इसका पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे लगा हाँ ठीक है ना, इंसान बोल रहा है रीड दिस बुक, ठीक है कोई बात नहीं, कैजुअली ले लो। तो मतलब बाद में हमें समझ में आया, और दूसरी बार तीसरी बार, और उनकी एलिफेंट्स मेमोरी है, उनको याद रहती थी, तो वो बुलाते थे वापस और बोलते थे डिड यू रीड द बुक, आई रिकमेंडेड दैट बुक, डिड यू रीड। अब यू आर इन द स्पॉट, यू डोंट नो व्हाट टू से। तो बाद में मुझे समझ में आया कि बेटा लिख लो और किताब खरीद के पढ़ना शुरू करो, एंड दैट इज हाउ, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट हैपेंड टू मी। उस साल मैंने 60 70 किताबें पढ़ी,
वाह तो आई एम wow. सॉरी, हम कहानी में चले गए. आई वॉज टू रिकमेंड सम बुक्स. सो हाँ, तो आफ्टर यू रीड द हिस्ट्री प्लीज, आप स्टार्ट यदि कर रहे हो तो फिक्शन पढ़ो. और प्लीज फिक्शन किताबों को वो ऐसे मत करो कि यार नो नो फिक्शन इज नॉट माई क्लास एंड दिस एंड दैट. मतलब अपने आप को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल सही बात. फिक्शन फिक्शन क्रिएटिविटी बढ़ाती है, राइट? यू नो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट एंड आई एम ट्राइंग टू कम टू फिक्शन. सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु रीड फिक्शन बिकॉज आई नो इट इज टफ. मतलब वो एक बार आपका दिमाग जो है कि बहुत आरओआई ड्रिवन हो जाता है तो फिर आप यू नो इट इज डिफिकल्ट टू गेट टू यू. बट यदि कोई करियर स्टार्ट कर रहा है तो कुछ किताबें, मेरी पहले पिन ट्वीट में 10 किताबें होती थी, जो मेरी पिन ट्वीट बहुत लंबे समय तक थी. अब वापस ले आऊंगा वो. थोड़े दिन पहले मैंने अपनी किताब आई तो मुझे कहा गया कि अपनी किताब पागल हो गया. मेरी किताब आई, उसके बाद अंकुर साहब की किताब आई, राइट? तो मैंने अंकुर को मैसेज किया और मैंने अंकुर को कहा कि यार अंकुर मतलब मैं ट्विटर पे कुछ ज्यादा ही तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अपनी किताब. तो अंकुर ने मुझे कहा कि मनीष तुम्हारी किताब है, तुम प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा. मैंने बोला यार बात आपकी भी सही ये है. वो देवानंद का कोट है ना, इफ यू वोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट हु विल, खुद हाँ, खुद तो नहीं करोगे उन्होंने तो कौन करेगा. उन्होंने उन्होंने बोला कि आप तो कुछ नहीं प्रमोट कर रहे, आप दबा के करो. तो मैंने बोला ठीक है. उसके बाद फिर ट्विटर ने आई थिंक दे टुक इट ऑन देम कि मेरी और अंकुर की किताब खुद ही प्रमोट करते हैं सारे लोग. सो वेरी थैंकफुल टू नाइस. एवरीबॉडी हु राइट कीप्स राइटिंग अबाउट द बुक. फ्यू बुक्स दैट दैट हैव हैड इम्पैक्ट इन माई लाइफ, भगवद गीता और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. ये दो किताब, आई एम गोइंग टू से समथिंग, इसको ध्यान से सुनना. ये दो किताबें हैं ना, आप इसको नहीं पढ़ते हो, ये किताब आपको पढ़ती है. प्लीज समझो इसको. द बुक्स यू, आपके औकात ही नहीं है कि आप ये किताब को पढ़ पाओ, ये किताब आपको पढ़ना शुरू करती है. दिस बुक्स द बोथ द बुक्स आर मिरर. वॉट यू डिड यस्टरडे, कुछ भी पढ़ो इस किताब में, वो आपके कल का रिफ्लेक्शन आपको उसमें दे देगा और बता देगा आपको कि आपने क्या सही और क्या उतना सही नहीं किया. गलत कुछ नहीं होती है. तो देर आर गुड थिंग्स एंड देर आर नॉट सो गुड थिंग्स. बैड कुछ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी, राइट? सो वो नॉट सो गुड आपने क्या किया वो आपको किताब बता देती है. तो दीज आर टू बुक्स विच इज एन एब्सोल्यूट रिकमेंडेशन टू एवरीबडी. आप लाइफ के किसी भी एज ब्रैकेट में हो, ये दोनों किताबें यदि आप जिंदगी में समय निकाल के पढ़ने की कोशिश कीजिए, यदि आप उसका आधा पेज भी रोज पढ़ पाए तो प्लीज पढ़िएगा. सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एंड भगवत गीता. और भगवत गीता आप एज इट इज खरीदिए, मतलब डोंट टेक कि किसी और का वर्जन है. हाँ, दैट हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर से एज इट इज जो है, जिसमें एज इट इज लिखा हो वो किताब आप ये दोनों पढ़िए, राइट? ये आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है. ये किताब कभी खत्म नहीं होती. तो आप ये मत कहिए कि मैंने खत्म कर दी, ये नहीं. आप अगले साल पढ़ोगे तो कुछ नया समझ में आएगा, उसके बाद पढ़ोगे तो कुछ नया समझ में आएगा. This book ages with you and you know it reads you, as I said. इसके अलावा कुछ कुछ किताबें जो ट्विटर वगैरह पे तो चलती रहती है, I think psychology of money is something everybody should read. एक recent last year एक किताब आई थी CEO factory. I think I don't know. मैं ना sorry मैं author author भूल जाता हूँ. But उसमें जो है कि Unilever की कहानी है कि Unilever किस तरीके से सबसे ज्यादा सीईओज जो मार्केट में आज हैं वो यूनिलीवर में कभी ना कहीं कहीं ना कहीं काम उन्होंने किया है. तो वो बड़ी एक अच्छी किताब है. हमारी जोश टॉक्स की एक किताब है, ऑल यू नीड इज जोश. दैट दैट इज समथिंग एवरीबॉडी शुड रीड बिकॉज वो बहुत पावरफुल 30 लोगों की कहानी है. इसके अलावा यार टॉप रिकमेंडेशन यही है. एटॉमिक हैबिट इज अ मस्ट रीड. आई मीन दैट्स अ नो ब्रेनर. सबको पढ़नी चाहिए किताब. 1 मिनट मैनेजर इज अ ग्रेट बुक टू रीड. आई थिंक कार्ल न्यूपोर्ट की एक किताब है डीप वर्क. वो किताब पढ़नी चाहिए. अंकुर ने अभी एक किताब लिखी है डू इट शिट. मेरी और अंकुर की हमारी ये बात हुई है कि हम इसको इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनाएंगे. एक भारतीय का भी किताब जो है कि वहां होना चाहिए. जब यू नो वी टॉक अबाउट एटॉमिक हैबिट्स और डेल कार्नेगी और ये वो, हमारा इंडिया से क्यों नहीं है भाई, एक तो हो, राइट? तो that is something that I wish that हम अंकुर की किताब जो है कि इंटरनेशनल बेस्टसेलर बना सके और डिजिटल बूमिंग स्टार्स को भी बेस्टसेलर बना सके. अरे वो हो जाएगा उसका मतलब. बट अंकुर की जरूर हम कराएंगे, राइट? सो इट्स माय, मैंने मतलब मुझे लगता है कि यार होना चाहिए ना, एक हमारी भी किताब होनी चाहिए अप देयर आउट देयर, है ना? नाइस. यदि आप जिंदगी को समझना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ, देयर इज अ बुक
इट्स कॉल्ड व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। थोड़ी हैवी किताब है लेकिन प्लीज पढ़िए उसको। नाइस हाँ दैट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। आई थिंक बहुत सारी किताबें बता दी मैंने। तो या मतलब मैंने पढ़ी है अभी तक, आई थिंक मैंने 250 300 टाइप किताबें पढ़ी हैं। तो वानी तुम और मैं हम 10 घंटे का पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। बहुत आप सही। फिक्शन भी पढ़ते हो क्या? आई मीन आई एम जस्ट मैं क्यूरियस। कोशिश कर रहा हूँ फिक्शन फिक्शन पढ़ने की और साइंस फिक्शन पढ़ने की। मैंने अभी तक जिंदगी में सिंसियरली फिक्शन साइंस फिक्शन नहीं पढ़ी। बाय द वे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किताब मुझे याद आ रही है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन वीज की किताब है। इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रीड। अब आप उसको फिक्शन की तरह पढ़ो या आप यदि विश्वास करते हो चीजों में तो उस तरीके से पढ़ो। मैं तो उन चीजों पे थोड़ा बहुत विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि साइंस को सारा कुछ नहीं पता है ना। और मतलब साइंस क्या है, लैब में जो प्रूव हो गया वो साइंस है, लेकिन जब तक वो प्रूव नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी था कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था या नहीं करेगा, राइट? तो मैं उस तरीके से सोचता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ बायोग्राफीज। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, गांधी जी की बायोग्राफी, यू नो अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, उसके बाद आई थिंक अभी सौरव गांगुली की भी किताब आई थी, हाँ उनकी बायोग्राफी आई थी, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किताब है। सो अब जिंदगी ऐसे बट गया है, वॉचिंग जो है कि डॉक्यूमेंट्रीज, लिसनिंग एंड वॉचिंग पॉडकास्ट एंड बुक्स। सो नाइस। अब वो थोड़ी सी बढ़ सी गई है। सो आई थिंक हाँ, बायोग्राफीज आर ग्रेट वे टू स्टार्ट रीडिंग इफ इफ यू आर अ न्यू रीडर। वेरी आई थिंक नाइस। बायोग्राफीज हेल्प यू बिकॉज वो कहानी होती है, राइट? इट्स समबडी हाँ एल्सेस स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट। सो ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफीज, दैट इज व्हाई आई से ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज अ मस्ट रीड, रिटन बाय परमहंसा योगानंदा जी। एब्सोल्युटली जेम स्टोन ऑफ अ बुक। बहुत लोगों की जिंदगी चेंज करी है। स्टीव जॉब्स ऑलवेज स्पोक अबाउट दैट बुक। मार्क जुकरबर्ग हैज रेड दैट बुक। विराट कोहली हैज रेड दैट बुक। बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े अच्छे सक्सेसफुल लोग वो किताब पढ़ते हैं। देयर इज अ बुक कॉल्ड डेथ बाय सद्गुरु, दैट्स आल्सो एन अमेजिंग रीड। उसको आप जिस तरीके से पढ़ना चाहो, फिक्शन की तरह पढ़ना चाहो या कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ना चाहो एंड ऑल, वो भी किताब बड़ी बड़ी अच्छी किताब है। इट एक्चुअली मेक्स यू रिफ्लेक्ट एंड एंड मेक्स यू आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ। थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा देती है। तो इफ यू आर अ पर्सन हु यू नो थिंग्स ऑफ लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, यू नो यदि आपको पॉज लेना आता है तो ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा इफ नॉट वाइज आपको नॉलेजेबल तो बना ही देता है। सो या नाइस। जो आप बता रहे हैं कि लाइक मैं आपके पहले उस पे जाऊंगा कि बुक से पहले हम इस चीज़ की बात कर रहे थे कि हाउ जैसे आप वर्कशॉप्स देते थे मैनेजमेंट रिलेटेड, कंटेंट मैनेज कंटेंट, सोशल मीडिया, एंड अभी भी आप उसी के एक्सटेंशन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे आप लाइक बहुत लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, लाइक हाउ टू गो अबाउट लाइक द जर्नी ऑफ सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन। तो आप सबसे ज़्यादा स्टडी के लिए क्या करते हैं? वो किताब मतलब हाउ डू यू कंज्यूम एंड लर्न, आर एंड हु डू यू गो टू? आर दे लाइक ह्यूमंस जिनके पास आप जाते हैं कि यार मैं कंफ्यूज हूँ तो ये चले जाते हैं, या वो एक किताब होती है या वो एक पॉडकास्ट होता है, आप कहाँ से लर्निंग्स कर लेते हैं? आई थिंक मिक्स ऑफ ऑल थ्री। ओके मतलब आई ऑल्सो हैव पीपल हु आई कॉल, जैसे आई कीप कॉलिंग डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, हुज रिटन बुक्स ऑन चाणक्य। उनकी 16 या 20 किताबें हैं चाणक्य के ऊपर। तो ही इज वेरी काइंड एनफ और वो बोलते रहते हैं कि मनीष इज माई मेंटर और दिस एंड दैट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, बट ही इज एन एब्सोल्युटली लर्नड पर्सन। मैं उनको कॉल करते रहता हूँ, कैप्टन रघुरमन से मैं अभी भी सलाह लेते रहता हूँ। मेरे यू नो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ऐसे ही आई मीन आई एम टू ब्लेस्ड टू एक्चुअली नो पीपल हु हैव अचीव थिंग्स इन लाइफ। सो आई स्पीक टू सुप्रिया, आई मीन शी इज यंगर टू मी इन एज, बट मुझे लगता है कि यू नो आई कैन मतलब हम बहुत कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। शी इज एब्सोल्युटली डायनेमिक एंड एंड आई लव द वे शी अक्वायर्स नॉलेज एंड शेयर्स इट। सो मैं सुप्रिया से बातें करते रहता हूँ बहुत सारा। यू नो हाफ ऑफ द टाइम तो हम एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, बट हो जाता है कुछ काम की बातें भी हो जाती है। सो दैट्स दैट। एंड देन आई गो टू कंटेंट अलॉट। सो मैं बहुत सारा पॉडकास्ट कंज्यूम करने लगा हूँ आजकल, स्पॉटिफाई में भी और यूट्यूब में भी।
थोड़ा सा ना मुझे स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट मजा नहीं आता यार, मुझे यूट्यूब पे ही ज्यादा मजा आता है, मेरा तो भी क्योंकि वो वो कमेंट्स होते हैं थोड़ा साथ में और सा हाँ एग्जैक्टली सेम सेम इन सेम कमेंट पढ़ते रहो लोगों का। हाँ और जैसे नवल नवल रविकांत के पॉडकास्ट में लोग तो नीचे जा कमेंट सेक्शन में से लगता है कि भैया मतलब पैराग्राफ लिख देते हो एकदम लंबे लंबे, मतलब तुम उनकी हाँ कमेंट सेक्शन की किताब बन सकती है राइट। हाँ टिम फेरिस के, बाय द वे टिम फेरिस की ये किताब पढ़ रहा हूँ अभी, ये दिख रही है आप लोग को नाइस नाइस है नाइस ना, ट्राइब ऑफ मेंटर्स बड़ी अच्छी। तो इसमें ना उन्होंने जितनी भी पॉडकास्ट करी है आई थिंक 200-250 लोगों की शॉर्ट कहानियां या हैं, तो या हाँ तो ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड ट्राइब ऑफ मेंटर्स टिमोथी फेरिस की, यू नो इस उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट लाइफ एडवाइस फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो या आप एंड समझो इट इज दैट, मतलब मेरा रोज का पहले 6 महीने ये था पिछले साल के कि मैं रोज का हाँ एक चैप्टर टूल्स ऑफ टाइटन्स का पढ़ता था, और अभी ये है हाँ कि ट्राइब ऑफ मेंटर्स का अभी ना पढ़ता ये इस चैप्टर में हूँ। पहुंचा हूं मैं, काइल यू नो मेनार्ड इनका नाम है, वो जो है कि बड़े मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, लाइक हाँ डेविड गॉगिंस इज एब्सोल्युटली फेवरेट पर्सन ऑफ माइंड, मैं उनके बहुत कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ है ना, या तो उस तरीके से जो है कि दिस इज हाउ आई गेट माय नॉलेज। मेरी मेरी फेवरेट जो बात है ड्राइवर मेंटर्स की है, सबके लिए सेम क्वेश्चन है, जैसा हमारा भी फॉर्मेट ना थोड़ा वैसा ही है, सबके लिए सेम क्वेश्चन। और वहां पे एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मैंने चुराया हुआ है टिम फेरिस से, और लाइक मैं क्रेडिट देता हूँ जब भी वो यूज करता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। वो बोलते हैं $100 से कम की एक चीज जो बहुत हेल्प करी। मैं सबसे पूछता हूँ, हाँ आप हाँ बताइए। 12 बड़े हाँ 12 बड़े सटीक क्वेश्चन है ना, और हाँ बहुत पर हम हाँ आपसे बारह जानना सटीक चाहते हैं, क्वेश्चन वो ₹10,000 से कम की एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए, जो आपको लगता है ये सबके पास होनी चाहिए? 10,000 रुपए ऐसे कम की चीज मुझे जो लगता है जो सबके पास होनी चाहिए वो, यार ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ तो मतलब बहुत सारी भी दस बता हजार रुपए सकते हैं। हमारे कंट्री में, उनके कंट्री में मतलब US में ना $100 इज ठीक, हमारे कंट्री हाँ में 10,000 बहुत रुपए होते हैं भाई है ना, हाँ हाँ 10,000 में बहुत कुछ आता है राइट। सो आप यदि देखो तो मुझे लगता है कि सबके पास यू नो संख होनी चाहिए, जो संख हम बजाते हैं ओ संख होनी चाहिए, उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, वाओ और यू नो यदि आप बजाना बजा सको तो बजाया करो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार जो 10,000 रुपए में आप मिले होनी बताओ ना, चाहिए ये तो मतलब। यूनिक था। आप लाइक हम तो जैसे मैं बताऊँ हमारे टाइटल कैसे होते हैं हमारे रिकमेंडेशन एपिसोड के, 123 रिकमेंडेशंस बाय तन्मय भट्ट, तो रुकना नहीं है हाँ मैंने मैंने एक देखा, मैंने आपको। 43 रिकमेंडेशंस बाय किसी का था कुछ है ना, बढ़िया हाँ है ना। यार मुझे लगता है कि योगा मैट होना चाहिए सबके पास वेरी नाइस ताकि आप योगा करो है हाँ ना, जो है कि आपके पास एक बहुत अच्छा बैकपैक होना चाहिए, हाँ मतलब लटका के, जिसको आप लटका के ना कभी भी निकल लो कहीं, चार बिल्कुल दिन के कपड़े 2 दिन के कपड़े डाल के। बिल्कुल सो आई थिंक दीज आर समथिंग दैट एवरीबडी शुड हैव, यू नो लाइबिलिटी वाली चीजें ना हो, मतलब आई डोंट रियली मतलब पर्सनली मुझे नहीं पसंद कि अपना घर खरीद लो गाड़ी खरीद लो, मतलब हाँ दैट 10,000 से नाइस नीचे की बहुत सारी ऐसी चीजें। आजकल के जमाने में आपके पास रिंग लाइट होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए है ना, सो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, पॉडकास्ट माइक होना चाहिए, बिल्कुल। यू नो मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड हैव है मैं बैकपैक वाले से तो बहुत ही ज्यादा अग्री करता हूँ क्योंकि वो गेम हाँ चेंजर होता है। लाइक एग्जैक्टली आई रियलाइज्ड इट ऑन द पुलगा हाँ, ट्रिप हमने अभी अभी रिट्रीट की थी हमारी कोर टीम के साथ, अभी पुलगा गए थे हिमाचल में, एक छोटा सा एक गांव है, हम सारे वहां गए थे, और वहां हाँ पे वानी अपना वो व्हील वाली अटैची लेके चले। मैंने कहा यहाँ पे ये कौन लेके आता है, बैकपैक लाना था या तो। तो चलो मैंने सही सही जवाब दिया, मतलब बैकपैक सबके पास होना चाहिए। चलो मेरा एक दोस्त है उसका नाम है अंकित, जी उसकी एक कंपनी है कैरी प्रो, मुझे नाइस लगता है दुनिया में सबसे अच्छा बैकपैक वो बनाता है, चेक करना आप नाइस। लोग। तो इनका लाइक क्लेम है कि वाइल्ड क्राफ्ट से बेटर बैकपैक कैरी ब्रो हाँ, नहीं, के। मैं 5 I think 4 साल से यूज कर रहा हूँ, वेरी और नाइस। मैं उसी से खरीदता हूँ मेरे सारे बैकपैक, एक उस बहुत अगर बढ़िया कोई भी कैरी मॉड्स देख रहे हैं, एक बार आप नाम वापस वापस बताएंगे, हम लिंक अभी डलवा देते हैं चैट में। प्रो CARRYPRO कैरी जो प्रो। भी अगर मॉड्स देख रहे हैं, जेबन इज हेयर जेबन, अगर कैरी प्रो का अगर आप लाइक वेबसाइट का लिंक अगर चैट में डाल सकते हैं, गाइस अपना अगला बैकपैक जाके आपको कैरी प्रो से खरीदना है। हाँ नाइस बढ़िया लड़का है, हासिल कर रहा है कुछ कुछ कोशिश कर रहा है, बोलता है वेरी मनीष भैया मुझे मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन बैग कंपनी बनना है, मतलब बनेगा बनेगा नाइस करेंगे। ये कितना सही है यार, बैग
बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और प्रोडक्ट्स की और थोड़ी बात करते हैं, और जैसे आपने शंख वाला बताया, ये जैसे बताया, आप खाने के शौकीन हो? यार हूं, लेकिन बड़ा बड़ा मतलब आजकल सोच समझ के खाता हूं। इसके पीछे कहानी यह है कि मैं एक समय पे 92 kg का होता था, और मैं बड़े मुश्किल से अब जो है कि 60 से 65 के बीच में अपने आप को रख पाता हूँ। तो मतलब आई लव फूड, मतलब तुम मेरे को चाय, अच्छी चाय पिला के और खाना खिला के मेरे से कुछ भी करवा सकते हो। तो बहुत लोगों ने मुझे एक्चुअली मेरा फायदा भी उठाया है, मुझे चाय पिला पिला के और अच्छा खाना खिला के। मैंने कहा यार पंडित जी खाना खाते हैं, इनको बुलाओ खाना खिलाओ बढ़िया। लेकिन अब जो है पंडित जी थोड़े सेलेक्टिव हो गए हैं, तो अब शुगर शुगर कंज्यूम नहीं करता मैं, व्हाइट शुगर एब्सोल्युटली नो। वैसे मिठाई मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने अब त्याग दिया तो त्याग दिया, वंस कितना टाइम इन अ हो गया व्हाइल त्यागी खाता हुए? मेरे को भी त्यागना है, मेरे से होता नहीं है। तो। और उसके बाद हाँ मतलब यार खाने पे बहुत सारा नहीं बात कर आप सकते हैं बताइए हम। ना, कितना नूडल्स आपने त्यागा कितने पहले था? 2017 जून 23। नहीं अरे आई बाप एम रे, ऑल्सो हाँ स्ट्रगलिंग, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। 2017 जून 23 से मैंने सफेद चीनी जो है, मेरे हिसाब से लगता है कि सफेद चीनी बड़ा डेंजरस चीज है, उसको अपनी पॉइजन ही है वो जिंदगी तो से दूर बेसिकली रखो, जो बोलते हैं। है ना। मध, गुड़, यदि ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाए, यू नो देसी गुड़, तो देसी गुड़ मध फिर भी ठीक है। और मैंने मैंने मतलब मैं ना, मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना ट्विटर पे, मैं पढ़ते रहता हूँ, व्हाट इज योर सुपर पावर, ये वो। मुझे लगता है कि मेरा विल पावर इज माई सुपर पावर। वेरी नाइस, मैंने एक दिन अपने आप को कहा कि आज से बंद, और फिर बंद, मतलब पूरा बंद। तो और यदि मैं ना चाहूं कुछ करना, तो दुनिया में कोई मेरे से कुछ नहीं करा सकता। तो यदि मैंने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, मतलब नहीं, तो मतलब मैं उस टाइप का इंसान हूं। तो तो जब अगर आपने सफेद चीनी छोड़ दी है, बट अभी फिर आप क्या एंजॉय करते हो? लाइक थोड़ा खाने की रिकमेंडेशंस लेते हैं, और थोड़ा ये लाइट सा टॉपिक भी टच करते हैं, क्या मैं पसंद बड़ा करते हो? फ्रूट्स खाने लगा हूं। नाइस, तो मैं शुरुआत, मेरी दिन की शुरुआत पपीते से होती है। आई आई ए मतलब मेरा सॉलिड भी फूड, सेम पिंच। चलो हाँ। तो पपीता, मैं आधा पपीता, कभी कभी छोटा है तो पूरा एक पपीता भी खा लेता हूँ, नाइस तो पपीता खाता हूँ। मुझे ना इंडियन नाश्ते बहुत पसंद है, जैसे व्हेन आई से इंडियन नाश्ते, पोहा, उपमा, हाँ। इडली, यू नो इडली और डोसा, चीला, बेसन का चीला जो बनता है, मुझे ये सारी चीजें बहुत, मैं आई एम नॉट इनटू दैट सैंडविच और यू नो बर्गर और पिज्जा, ये मेरे को इंडियन चीजें बड़ा पसंद है। तो मैं मेरा मेरा ना मतलब मेरे यहाँ नंद किशोर है, हमारे कुक है घर में, गुड़गांव में, तो उनके पास हॉस्टल टाइप मेन्यू सेट है मेरा। मंडे को पोहा, ट्यूजडे को सच्ची मंडे को पोहा बनता है, और मेरा मेरे घर पे पोहा अलग तरीके से बनता है, शायद बहुत लोग को पसंद ना आए। तो मेरा पोहा बनता है रेड राइस के पोहा में, और उसमें पड़ती है गोभी, मटर, गाजर, आलू, तो उसमें भरपूर सब्जी भी होती है, वाह, तो मतलब वो गिल्ट फ्री पोहा खाता हूँ मैं। और उपमा भी बनता है, तो उपमा भी सारे भतेरी सब्जी, मतलब घर में जितनी सब्जी है सब डालो उसमें, तो मेरा इस तरीके से बनता है। फिर बेसन का चीला तो चलो ठीक है। उसके बाद वो सेवई नहीं आता, सेवई की नमकीन सेवई बनाते हैं, हाँ मुझे वो भी बड़ा पसंद है। साबूदाने की खिचड़ी बड़ा खाता हूँ मैं, मुझे साबूदाने की खिचड़ी बाय द वे बहुत फैटनिंग होता है, बट मतलब मान लो उसको चीट मील में मान लो, और मैं खा लेता हाँ तो हूँ। चीट मील्स में क्या क्या, मतलब आपके सेक्स क्या क्या रहते हो चीट मील में, क्या क्या जब एंजॉय करने के लिए भाई आज तक? चावल, चावल और रोटी इज अ चीट मील। पानी का मुंह उतर गया। नहीं सच में। और बाय द वे मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि लास्ट 3-4 महीने से मैं बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गया हूँ खाने के मामले में। मैं किचन में जाता हूँ, और यदि चावल बना हुआ है, नंदकिशोर अपने लिए बनाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना चुरा लेता हूँ उनको। मैं आज भी मैंने कढ़ी चावल खाया है, अगर तो नंदकिशोर देख रहे हैं हमारा ये, तो प्लीज कमेंट करिए, चावल आपको पता चलेगा कहाँ जाना है आपका। तो आज आज मैंने टेक्निकली कढ़ी खाना था, बट उसने चावल भी बनाया था। मैंने यार कढ़ी के साथ चावल, ठंड का मौसम है, मतलब थोड़ा बहुत खा ले क्या, तो पता नहीं यार, मैंने थोड़ा सा ले लिया चावल भी। बट हाँ मतलब मेरी वेट लॉस जर्नी जब मैंने शुरू की थी, तो मैंने अन्न खाना बंद कर दिया था। आई हैड स्टॉप ईटिंग ग्रेन्स, एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स। तो मैं हेविली सब्जी, फ्रूट और दाल, ये मेरे खाना होता था। और कोई भी मेरे साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता था, बिकॉज हाँ
मैं ऐसे ही खाता था, एंड देन मैंने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, यदि अब मैं अपनी जिंदगी के कंट्रोल में नहीं लूंगा तो मैं नहीं, तो मैं जंगल वंगल जब जाता हूँ, मैं फॉरेस्ट बहुत जाता था, अभी मतलब अभी तो लॉकडाउन वॉकडाउन के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, बट वहां फिर जाता था। तो मैं महाराष्ट्र में जब जाता था, मैं वो वहां की बाजड़े की रोटी है ना, झुनका भाकरी और वो सब खा लेता था, यू नो। बट हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाता हूँ, बट स्टार्च थोड़ा सा दूर, मतलब कहने के लिए बड़ा अंग्रेज सा लगता है, ग्लूटेन फ्री है ना, बट मतलब ग्लूटेन से एक्चुअली दूर ही रहना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा बेल्ट है हमारा, वो हम टेक्निकली बहुत लोग नोइंगली अननोइंगली हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है हाँ और ग्लूटेन ग्लूटेन इंटॉलरेंट है हम लोग। तो ये मैंने, मुझे बहुत बाद में समझ में आया, हमारे एक या मित्र, कॉमन मित्र लुक कुटिनो, उन्होंने हमको समझाया था ये। मेरे को तो भी अभी समझ आया। मेरे को लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट दे आर लैक्टोस इंटॉलरेंट, कि मतलब क्योंकि वो मिल्क बंद, मतलब मैंने किसी के साथ एक पॉडकास्ट किया था बहुत अच्छा, उन्होंने मेरे को समझाया था कि मिल्क वाज नेवर मेड टू बी ऐसे कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। देख, लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर कंपोनेंट है ना, और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसका केमिस्ट्री यदि देखा जाए तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो ब्रेक डाउन करना, और एक्चुअली दूध में एक प्रोटीन भी होती है जिसे वे प्रोटीन बोलते हैं, केसीन है ना, दैट पार्ट ऑफ मिल्क इज ग्रेट, बट देन लैक्टोज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। कॉफी पीते हो तो आप? नहीं यार, मैं चाय मुझे सही लगता है, लेकिन कॉफी पी लेता हूँ, मतलब ठीक है मिल गया तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा आप दे दोगे तो, बट गॉट इट। शौक से यदि कहोगे तो मैं चाय ही मंगाऊंगा, बढ़िया अदरक डाल के, मसाले डाल के, दूध हाँ कम चाय पत्ती ज्यादा, उस टाइप की चाय। मेरे मेरे को एक मैंने मैंने कॉफ़ी छोड़ दी, मेरे ऐसे एसिडिटी इश्यूज रहते थे सिवियर, तो मैंने एक हाँ रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी ढूंढी, हनी जिंजर लेमन टी पीता हूँ मैं रोज, हाँ 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 बढ़िया चीज है, बढ़िया बहुत चीज है। बढ़िया। मतलब गर्मी में मैं बहुत पीता हूँ, तो जैसे मैं डिनर है ना, 6 बजे के बाद नहीं खाता हूँ, 6:30 मैक्स, 6:30 मेरा, 6:30 तक यदि मैंने नहीं खाया तो उस दिन मैंने नहीं खाना है। हाँ तो मेरे सारे मित्र वो इससे भी परेशान होते हैं, जो भी मेरे साथ, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, नॉन निगोशिएबल है ये, सिक्स वेरी थर्टी नाइस। यदि मैंने नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं पानी पी के सो जाऊंगा, बट मैं नहीं खाऊंगा। मेरे को तो डिनर का डिक्शनरी मीनिंग ही अभी बहुत टाइम बाद पता चला, डिनर रात का खाना नहीं होता, डिनर दिन का लास्ट खाना होता है। मेरे को ये पता टेक्निकली था। टेक्निकली सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, ओह फक बिकॉज सॉरी। हमारा जो, देखो थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचो, और मतलब इसीलिए ना मुझे, मैं ये कहता हूँ कि यार साइंस डज नॉट नो एवरीथिंग है ना। आप हमारे पहले के एंशियंट किताबें, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री की किताबें हैं, वो पढ़ोगे तो उसमें हमेशा ये लिखा हुआ है कि सूर्यास्त निकालना चाहिए। बाद में मैंने जब उसके बारे में पढ़ा, और मैंने बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले डॉक्टर्स से बात किया, और बाकी जैसे लूप जैसे दोस्त वगैरह हैं, तो उनसे उनसे सुनने को मिलता है, रणवीर के थ्रू मैं लूप को मिला, मतलब मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो सन के साइकिल के साथ काम करता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, दैट ऑल्सो यू नो रेगुलेट्स अ लॉट ऑफ आवर डाइजेशन। तो जब हम बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं कहीं किसी और जगह पे लगती है बॉडी पे, और जब हम लेटे होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और लगती है, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इससे रेगुलेट होता है, मतलब तो आई थिंक इसको, इसके बारे में सबको पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ यू सकते नो हैं इसके बारे में प्लीज बताइए। यार, बहुत नहीं सारे पॉडकास्ट है, टिम फेरिस का देख लो, जो रोगन ने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, नहीं नहीं लुक कुटिनो डाइजेशन के का। बारे में पर्टिकुलरली, बिकॉज आई हैव वेरी सीरियस एसिडिटी इश्यूज, मैं जेन्युइनली पढ़ना चाहता हूँ इसके बारे में। 11th 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी की किताब पढ़ो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं सच में मजाक नहीं कर रहा, विद अ पोकर फेस आई एम सेइंग, रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी की 11th 12th की किताब, डाइजेस्टिव सिस्टम और हर हर बॉडी का हर सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया गया, और इट्स इट हैज एनफ नॉलेज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कि बहुत लोग कहते हैं ना कि पानी, अब जैसे पानी कितना पीना चाहिए नॉर्मली, अब ये सुनते हैं ना कि 3 लीटर 4 लीटर, तीन लीटर। हाँ गलत है ये, कितना पीना सबका चाहिए? अलग अलग है, अच्छा इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बॉडी कंपोजिशन यू हैव एंड ऑल ऑफ इट, नहीं, एंड प्लस पर मेरे को ये 11वीं 12वीं की किताब में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी मिलेगा जो आप बता रहे हो। सब मिलेगा ब्रो, क्या बात कर मैं रहे हो, बता रहा हूँ उसमें ना। लिखा है उन्होंने कि कहाँ पे अरे सेंटर। मतलब मैं बता रहा हूँ, वो किताब किताब पढ़ो तो सही, किताब पढ़ो। गाइस मॉड्स अगर एनसीईआरटी का अफिलिएट लिंक डाल सकते हैं चैट में,
आई थिंक टाइम टू गो बैक टू द बेसिक्स आ या गया. मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ गोइंग बैक टू बेसिक्स, नाइस. बहुत. आई एम अ वेरी बिग फैन, एंड आई थिंक उससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं है कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो गो बैक टू व्हाट यू यूज्ड टू डू, है ना. मैं अपने आप को यही, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, मेरे को ना इनसिक्योरिटी इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन कभी कभी ऐसे अचानक से डर सा लगता है कि यार इतना कुछ चल रहा है और ये सब अचानक खत्म हो गया तो क्या होगा. तो मैं बोलता हूँ कहाँ से स्टार्ट किया था, ट्यूशन पढ़ाता था, कॉल सेंटर में काम करता था, अच्छा फैक्ट्री में भी काम किया है, सब्जी भी बेची है, वो सारा भूल थोड़ी गया होगा, तो वो ही कर लेना, फिर वहीं से स्टार्ट कर लेंगे फिर से. तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वेरी मतलब बेसिक्स पे नाइस, तो जा ही सकते हैं, बहुत. राइट. तो आई थिंक गोइंग बैक टू बेसिक्स इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू, जाना चाहिए. बहुत सही यार, मतलब मजा आ गया. और मैं अभी भी आपकी, अभी मैं जो आपको कोट करने वाला हूँ, ये जो किताबों का सेगमेंट, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे और भी सेगमेंट्स करने हैं, हाँ किताबों पे एक 10 घंटे का पॉडकास्ट लॉक कर लेना. एक 10 घंटे का हाँ करेंगे, मतलब सुबह चालू करेंगे, मैं रात और शाम वाणी, तक, सूर्यास्त तक. सूर्य, हाँ मैं और वाणी तो हम बहुत बातें कर सकते हैं बढ़िया, कभी. ठीक है. और बुक्स में जो आपने एक लाइन बोली थी ना, ROI और ROE वाली, आरोही, हाँ यार, आई एम सोल्ड, वो तो मेरे को पसंद आ गई बात बहुत ज्यादा. हाँ. वैसे कंटेंट कंटेंट फील्ड में, सोशल मीडिया फील्ड में आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन एंगेजमेंट. ये बड़ा बेचा है हमने क्लाइंट्स को कि एंगेजमेंट देखो यार, सेल्स क्यों देख रहे हो, राइट. तो ये बड़ा बेचा है, बट ये मतलब मतलब मैंने ये समझा कि आरओई इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑन इमोशंस, की आप इमोशन, इमोशनल क्वोशेंट आपका कितना बढ़ता है. ईक्यू आईक्यू, आईक्यू से ज्यादा आई थिंक ईक्यू का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है यार, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत बहुत ज्यादा वेरी जरूरी है नाइस, वेरी जिंदगी नाइस. में, है ना. तो एक समझ, आई मीन आप प्लीज समझो इस बात को कि हम इंसान क्यों पैदा हुए हैं, हमारा मस्तिष्क एक हिसाब से क्यों चलता है ना. क्योंकि मतलब हमारे पास वो सुपर पावर है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, राइट. वी शुड डेफिनेटली वर्क ऑन बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट देन बीइंग इंटेलिजेंट, मुझे ऐसा लगता है. तो ये आपको ना जमीन से जोड़े रखता है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ सारे लोगों को, मैं भुवन को, रणवीर को, मैं जिससे भी बात करता हूँ, मैं सबसे यही बोलता हूँ, श्लोक से वगैरह, विराज लोगों से, सबसे यही बोलता हूँ कि योर हेड शुड बी इन द क्लाउड बट योर फीट शुड बी ऑन द ग्राउंड, बहुत जरूरी है वेरी नाइस. ना. आई या आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन. दिस हैपन्स विद मी, जैसे आपने डॉक्टर ब्रायन वेस की बात करी, सो वेन एवर आई यूज टू रीड हिम, एकदम शांत हो जाती थी, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू रिटर्न टू रियलिटी एंड आपका दिमाग वैसे ही चलने लगेगा जिस स्पीड से सारे चल रहे हैं. सो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? हैव यू फिगर्ड इट आउट अभी तक? हाउ डू यू मेंटेन दैट कामनेस द एंटायर डे? मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप कंट्रोल कोई भी चीज नहीं कर सकते हो. आप, आपको यदि लगता है कि यू कैन कंट्रोल एनीथिंग, ट्रस्ट मी यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, यू कैन ओनली रेगुलेट इट, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मुझे लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा इतना बैलेंस शांत क्यों रहते हो, मतलब कैसे रहते हो, राइट. तो मैं बोला मैं शांत नहीं हूँ, मैं अंदर आपको बोला हूँ, मैं मुझे दिखाता नहीं हूँ, राइट. सो इट्स सिंपल, यू इट हैव द रेगुलेशन शुड कम. यू शुड टेक चार्ज, नॉट कंट्रोल बट चार्ज ऑफ वॉट इमोशन विल रिफ्लेक्ट वेन एंड हाउ. और ये आप कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ. कोई भी एक्शन करने से पहले आप गिव योर सेल्फ दैट फाइव फाइव क्विक सेकेंड टू टू काइंड ऑफ इमोट एंड थिंक अबाउट कि आपके इस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्या होगा, और किसी और का नहीं, पहले आपको क्या होगा. बिकॉज एनी एनी ऑफ द इमोशन दैट यू विल रिफ्लेक्ट, उसका उसका पहला प्रतिक्रिया आप पे होने वाला है, राइट. एंड यू डोंट वॉन्ट कि आप पे कोई भी गलत प्रतिक्रिया हो. यू डोंट वॉन्ट नॉट सो गुड प्रतिक्रिया, राइट. आई मीन यू वॉन्ट ऑल 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 गुड थिंग्स हैपनिंग विद यू. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब आई कीप गोइंग बैक टू दिस इज बिकॉज हर्ष भाई जो मेरे को ऑथर है किताब के, वो जैसे फोर्ब्स में आर्टिकल आ गई तो मुझे फोन करके बताएंगे मनीष भाई फोर्ब्स में आर्टिकल आ गई, किसी और ने छाप दिया तो मनीष भाई इन्होंने छाप दिया. मैं हर्ष भाई को परसों मैंने कहा कि हर्ष भाई किताब ना हो गया, अब लेट्स नॉट टॉक अबाउट द बुक, अब लेट अस थिंक कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रसंग है जो है कि जब युद्ध जीत जाते हैं ना पांडव महाभारत में,
और वो इंजॉय कर रहे होते हैं ना कि युद्ध जीत गए और ये वो और यू नो। तो कृष्ण वॉक्स इन एंड सेड कि वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, तुम यदि इसी जीत को यदि अपना बेंचमार्क बना लोगे तुम जिंदगी आगे का देख नहीं पाओगे, राइट। तो मतलब आई थिंक आपको माइलस्टोन्स को और सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी बात है, बट देन यू यू शुड बी वाइज इनफ टू डिटैच फ्रॉम इट, अदरवाइज आप नया कुछ और नया नहीं बना पाओगे, राइट। एंड क्रिएशन शुड बी द प्रोसेस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। सो एवरी डे व्हेन यू वेक अप एंड बाय द टाइम यू स्लीप यू शुड क्रिएट समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ इफ नॉट फॉर अदर्स, यू नो। अब वो क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, वो आप किताब पढ़ के कुछ आपने अपने थॉट्स बनाए, दैट इज ऑल्सो क्रिएशन, या आप कुछ सब्सटेंशियल क्रिएट कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो क्रिएशन। सो मेरा ना जिंदगी को देखने का ना तरीका बहुत अलग है यार, मैं बहुत बुड्ढों की तरह सोचता हूँ। हाँ एटलीस्ट लोग ऐसा कहते हैं, पता नहीं। सो यार नहीं, बट हमें बड़ा मजा आता है ऐसी, हम भी बुड्ढो वाली बातें करते हैं, लाइक हम भी तीनों, लाइक आई थिंक काफी वो वाइब कर रहे हैं ना, क्योंकि हाँ लाइक तो दिस इज ग्रेट, लाइक अगर कोई मॉड्स देख रहे हैं तो प्लीज डिजिटल बूमिंग स्टार्स का भी लाइक लिंक डाल दीजिए, एंड आप अपनी किताब के बारे में भी प्लीज हमें थोड़ा बताइए, लाइक दो शब्द बताइए अपनी किताब के बारे में बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. यार लॉकडाउन हुआ था ना 2019 में, पहला लॉकडाउन हुआ था ना अपना 2019 में, 2020 2020 आई थिंक. हाँ 2020 में हुआ 2020 था। तो आई थिंक हाँ 2019 के एंड में मेरे को ऑथर जो है हर्ष भाई, उन्होंने ऑलरेडी दो किताबें लिखी थी, बूमिंग ब्रांड्स और एक बूमिंग स्टार्टअप्स। उन दो किताबों में भी मैंने उनका मदद किया था, मतलब पूरा। और एज यूजुअल ही वॉन्टेड टू राइट अ थैंक यू पेज फॉर मी, मैंने मना कर दिया, मतलब कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने डांट डांट दिया था उनको, मैंने बोला आपको क्यों क्यों थैंक यू करना है मुझे, नहीं मत करो। तो उन्होंने बोला यार कैसा इंसान है यार, मतलब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेना ही नहीं चाहता। तो जब ये किताब उन्होंने मेरे को बहुत फ्रेंटिकली कॉल किया और कहा कि यार मनीष भाई जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये वो ये देखो क्या बंद हो रही है चीजें भी ऐसे वैसे। मैंने बोला यार रो क्यों रहे हो, कुछ करते रुको। तो मैंने उनको क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, मैंने बोला यार हर्ष भाई आप प्रोफेसर हो, आप मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पढ़ाते हो, मतलब क्या क्या साउंड है अबाउट ऑल दिस कंटेंट क्रिएटर्स, ये वो। तो ये सब बड़ा नया था उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि मनीष भाई आई विल कम बैक टू यू, एंड देन वो 3 महीने के बाद ही कॉन्टेक्टेड मी अगेन। तब तक लॉकडाउन लग चुका था, एंड सेड कि मनीष भाई ये तो बड़ा सही है दिस दैट। तो फिर हमारी बातें शुरू हुई और मैंने कहा कि यदि आपको करनी है किताबें तो लेट अस डू बुक्स ऑन कंटेंट क्रिएटर्स, कुछ के जिंदगी के साथ जुड़ा हूं मैं और कुछ को हम उनके मैनेजर्स के थ्रू अप्रोच करके उनके साथ बातें कर सकते हैं। तो और ही सेड कि अच्छा ये कैसे, पहले पब्लिशर से अप्रूवल ले ले, ये करे वो करे, मतलब कोई नहीं पब्लिशर पब्लिशर देखेंगे, पहले आप कर लो, पहले इसको करते हैं। सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू यू नो, वी स्टार्टेड एक्चुअली विद रणवीर बिकॉज आई हैड द क्लोजेस्ट एक्सेस टू हिम, मैं रोज उसके साथ कनेक्टेड था। फिर विराज ने मेरे को बाकी लोगों से भी बात कराई, अभिनव से और रोहित भाई को मैंने फोन किया, भुवन से बातें हुई, राइट। सो हमने उनसे बात की, उनके दोस्तों से बात किया, जिसके माता पिता से हो सका उनके माता पिता से भी थोड़ी बहुत बात की, और किताब में ना उनके वो नुआंसेस को निकाल के ले आए जो इंटरनेट पे ज्यादा नहीं है, राइट। सो ऑल्सो वन ऑफ द इंटेंशन ऑफ राइटिंग बुक वॉज टू काइंड ऑफ, I'm not claiming it, but I wanted to give a direction to anybody who wanted to, you know, who wants to make content. कि what does it take to be a content creator in this country? So किताब actually 3 तरीके के audience के लिए लिखी गई है। One who want to be a content creator. Second who want to understand the dynamics of new age marketing, new age advertising. Third उनके लिए जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में करना क्या है, तो उनको डायरेक्शन मिल सकती है, बिकॉज इतनी अलग अलग तरीके की सबकी कहानी है, सबकी बैकग्राउंड, सबका सबका नजरिया, और हर चैप्टर के बाद सबने अपना एक बुलेट पॉइंट भी दिया है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड दिस एंड दैट। नाइस. सो आई थिंक ये सब लोगों को मजा आ रहा है, मतलब मैं ढूंढ रहा था अमेजोन पे जाके, यार कोई तो गंदा कुछ लिखा होगा किसी ने, आई थिंक बहुत लोग बायस्ड है यार, सब अच्छा अच्छा ही लिख रहे किताब में, कोई तो गाली दे, मैं तो देख रहा हूँ यार हाँ गाली नहीं हाँ देगा तो मैं सीखूंगा कैसे, राइट।
दिस इज अमेजिंग गाइस, बूमिंग डिजिटल स्टार्स, अभी जाके ऑर्डर कीजिए एंड बताइए कैसे लगी। आप भी जाके अच्छा लिखिए अमेजोन पे, नहीं, लाइक मिलने। मैंने कहा कि प्लीज गिव ऑनेस्ट फीडबैक यार। तो कुछ कुछ लोग हैं, मैं देखता हूँ कि यार लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है अमेज़न रिव्यू पे, पढ़ता हूँ ना मैं थोड़ा सा, मैं भावुक भावुक नहीं होता, बट मैं पढ़ता हूँ, मैं बोले यार इतना सारा मिल गया क्या, मतलब सच में इतना सारा मिल गया क्या, मतलब ऐसा ऐसा ना, कोई भी रिव्यू नहीं है कि गुड बुक मस्ट बाय, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे यार। मैंने बोला यार लोग इतना टाइम निकाल के लिख रहे हैं, क्या बात है। नाइस नाइस नाइस। मेरे को लग रहा है कि हमें लाइक ऐसे प्रॉपर पार्ट्स में करना पड़ेगा ये हमारा जो आपके साथ पूरा एपिसोड है, क्योंकि आज लाइक मेरे को अभी रियलाइज हुआ लाइक ऑलरेडी इट्स बीन एन आवर एंड हमें थोड़ी देर में आज वाला सेगमेंट एंड भी करना होगा, बट लाइक एक और प्रॉपर हम टच करते हैं, पॉडकास्ट टच करते हैं, क्योंकि मेरे को आप बता रहे हाँ हैं ठीक है, पॉडकास्ट रिकमेंडेशंस लेना चाहता हूँ मैं आपसे, और अपना पॉडकास्ट के साथ आपका क्या रिश्ता है हमें उसके बारे में भी बताइए। आज ना मेरी अमित से बात हुई, अमित वो क्या नाम है वो, अमित यार मैं दोषी, गलत नाम ना ले लूं, आईवीएम, IIMV IVM आईवीएम, पॉडकास्ट, अमित दोषी, IVM, हाँ अमित सॉरी, दोषी। हाँ, उनसे मेरी बात हुई आज, आज आज ही मेरी कॉल हुई उनके साथ। वरुण भाई हमारे मित्र है, वरुण डुगिराला, उन्होंने कनेक्ट कराया। तो वरुण का पॉडकास्ट भी बड़ा सही मेरे को लगता है, एडवर्टाइजिंग इज डेड इज वेरी नाइस पॉडकास्ट। और वरुण भाई ग्लिच चलाते थे, दिग्गज इंसान है ना, तो उन्होंने बहुत सही काम करा हुआ है पॉडकास्ट के साथ। 22 yards ऑन ऑन स्पॉटिफाई, जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत कवर करता है, दैट ऑल्सो इज अ वेरी ब्यूटिफुल पॉडकास्ट। यार अपने रणवीर का भी पॉडकास्ट बड़ा सही है, हाँ द रणवीर शो, बहुत मेहनत करता है लड़का, मतलब आई एम तो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सो मुझे पता है कि व्हाट व्हाट डज इट टेक टू ब्रिंग व्हाट ही ब्रिंग्स आउट। मैं लो की आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट गाय, वेरी मैं उसको नाइस बोलता नहीं हूँ, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट 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 ही डज, वेरी यू नाइस। नो, बहुत सही काम कर रहा है पॉडकास्ट को लेकर। तो दैट यार वही जो रोगन, टिम फेरिस, नवल नवल का पॉडकास्ट, अंकुर का पॉडकास्ट इज अ वेरी अंडररेटेड पॉडकास्ट बाय द वे, अंकुर वारिको का पॉडकास्ट, बहुत छोटे छोटे निकालते हैं वो, मस्ट लिसन वॉच व्हाट एवर यू लाइक, दैट इज नाइस। और नीलेश मिश्रा का द स्लो इंटरव्यू इज माय टॉप फेवरेट, वो मुझे बड़ा सही लगता है। मैं ना नीलेश मिश्रा टाइप इंसान हूँ जिंदगी में, मुझे ऐसे आराम आराम से ठीक लगता है चीजें, है ना, तो वो बड़ा 2.5-3 घंटे का करते हैं, तो मैं संडे को, बाय संडे इज, यदि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो संडे एक्चुअली इज अ पॉडकास्ट डे, सो मैं बढ़िया लैपटॉप वैपटॉप खोलता हूँ, बढ़िया, इट्स अ प्रोसेस, तो आई स्टार्ट माई डे विथ ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल, तो वो पानी वानी पीने के बाद एक बढ़िया ग्लास में पानी, गर्म पानी में नींबू रोज पीता हूँ मैं, तो वो मैं लेता हूँ, वो पीता हूँ, वो पीते पीते मैं लैपटॉप स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं जो है कि ऐसा लगता है कि यज्ञ यज्ञ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, हाँ बढ़िया चालू होता है, फिर तब तक नंद किशोर जो है कि फ्रूट व्रूट काटता है, तो पपाया मिलता है मुझे, तो पानी पीते पीते फिर पपाया खाता पीते खाते खाते, फिर संडे है, तो फिर संडे को मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं प्रोफेशनल एंगेजमेंट में ना लगूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैलेंडर से जाऊँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनता है, फिर नाश्ता खाते खाते फिर वो, मतलब 2.5-3 घंटे का प्रोसेस है ये, वेरी नाइस। तो पॉडकास्ट चलते रहता है और पूरे दिन उस दिन पॉडकास्ट ही चलता है, जो है कि यहाँ से वहाँ इधर से उधर, अब जैसे रणवीर जो है कि वो फीडबैक मांगता है, राइट, अब पहले तो हम कॉल पे क्वेश्चन साथ सेट करते थे सारे पॉडकास्ट की, क्या पूछना है किसको, अब जो है कि 1-1.5 साल के बाद चिड़िया उड़ गई, अब सयानी हो गई चिड़िया, तो खुद कर लेता है, एंड टीम टीम है तो टीम भी करती है, तो जो है कि मैं जो देख नहीं पाया होता हूँ तुरंत रिलीज के बाद, वो मैं सारे देखता हूँ, और मेरा ना, मैं कोई भी कंटेंट यूट्यूब में, यदि मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना, कोई भी कंटेंट, तो मैं पूरा देखे बिना बंद नहीं करता, भले वो कितनी अच्छी हो या अच्छी ना हो, पता है क्यों, मुझे एवरेज वॉच टाइम का दर्द पता है, किसी का एवरेज वॉच टाइम खराब नहीं करना चाहिए, तो भले मैं ना देखूं ना, तो मैं उसको चला के साइड छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मैं पूरा होने देता हूँ,
क्योंकि यार किसी का एवरेज वॉच टाइम क्यों खराब करना ना, वीडियो देखा खराब कर दो, क्योंकि हमें दर्द पता है ना, हमने जो स्टॉक्स बनाते हुए एवरेज वॉच टाइम हम कितना जो है कि, क्योंकि एवरेज वॉच टाइम के हिसाब से आपके चैनल का ग्रोथ समझ में आता है। यदि आपका चैनल बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब आपका एवरेज वॉच टाइम खराब है, राइट? तो यार वो एक मेरा तरीका है, तो भले वो कितना भी पसंद आए ना आए, मैं मतलब लगे रहता हूँ उसके ऊपर। कभी कभी वो 1.75x वगैरह कर देता हूँ, लगे रहता हूँ, उसको बहुत कंप्लीट सही। करता हूँ, है ना? तो यार ये मेरे हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है, आप किसी का भी कंटेंट देखते हो, किसी का भी देखते हो, आप उसको आपने स्टार्ट कर दिया ना तो पूरा देखो, या उसको पूरा चला के छोड़ दो, एवरेज वॉच टाइम किसी का खराब खराब मत करो, है ना? दिस इज द लीस्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। नो मतलब ठीक है, हम करते हैं कि हाँ बेकार है, मैं क्यों देखूं एंड ऑल, बट थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस रखो, दया दया का भाव रखो, है ना? नाइस नाइस। तो और आप यूट्यूब चैनल्स आपके फेवरेट कौन से हैं? इंडिया इन मोशन एक चैनल है, आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो तो प्लीज देखिए, बढ़िया एक साउथ इंडिया के ट्रैवलर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते थे, और एक दिन उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ो और मैं घूमूं, और उन्होंने आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चैनल्स है, मैं बहुत रेकमेंड करते रहता हूँ। फिर ये एक द ब्राइट साइड नाम का एक चैनल है, वो मैं देखता हूँ बहुत। फिर वी सॉस वो मैं देखता हूँ। उसके बाद मैंने ना 70-80 चैनल ही सब्सक्राइब कर रखे हैं, मैंने उससे ज्यादा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे, बिकॉज वो आपका टाइमलाइन फिर मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि आप इधर से उधर हॉप करते हो। क्या चलचित्र टॉक्स 71 या 81 नंबर पे नहीं आएगा? नहीं चलचित्र टॉक्स है बाय द वे, जब अरे मैंने डिस्कवर किया तो मैंने किया है सब्सक्राइब, नाइस, सब्सक्राइब है गाइस, वेरी तो नाइस। है ना? तो फिर जितने कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करता हूँ उनके चैनल भी सब्सक्राइब्ड है, बिकॉज उनका कंटेंट देखना इज माय ड्यूटी, सो आई कीप वॉचिंग। वो मैंने कर रखे, जो स्टॉक्स के मेरे सारे सारे चैनल सब्सक्राइब्ड है, तो 12-15 तो हमारे जो स्टॉक्स के ही चैनल है यार। तो वो है टेड टेड टेडेक्स नहीं टेड टेड चैनल, वो भी सब्सक्राइब्ड है, और आई आई स्टिल वॉच टेड टॉक्स। मैं टेडेक्स वाले बहुत कम देखता हूँ, टेडेक्स गेटवे जो है मैं सम्मिलित था उसमें, तो टेडेक्स गेटवे के इंडिया आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया टेडेक्स टॉक्स जो है वो टेडेक्स गेटवे से, टेडेक्स जयपुर से, टेडेक्स बैंगलोर से, और टेडेक्स हैदराबाद से निकला हुआ है। तो ये सारे कुछ अच्छे हैं, बट नाइस। वो टेडेक्स वालों ने थोड़ा माहौल खराब कर लिया अपना, मतलब उनको क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, हाँ। है ना? बट टेड टेड एड एक चैनल है, टेडेड टेड बहुत ई, अच्छा चैनल है। हाँ बहुत सही चैनल, वो जरूर देखना चाहिए। उसके बाद एक चैनल है, उसका नाम ही प्रोनाउंस करना नहीं आता मुझे, के से कुछ नाम हाँ है हाँ एक, मैं समझ गया। इन अ नटशेल के हाँ राइट राइट राइट, क्या बढ़िया चैनल है यार, बोला लेकिन मेरे वो को पता था। इन अ इंग्लिश नटशेल है कुछ पता जैड नहीं, हाँ कुछ वो गुड़ कुछ जर्मन, हाँ जर्मन है या रशियन है पता नहीं, लेकिन बढ़िया जर्मन कंटेंट है, आई बनाते थिंक हैं। इट्स अ जर्मन और जर्मन एक चैनल एक्सप्लेन्ड, या हाँ वो भी बहुत सही है, सही है। फिर टिम फेरिस की चैनल सब्सक्राइब है, उसके बाद जो रोगन का चैनल भी सब्सक्राइब है, यही सारा चीज देखता हूँ यार मैं, बहुत सही इधर बहुत सही है ना, बहुत सही। एंड आप है ना? इंस्टाग्राम पे लाइक इंस्टाग्राम के साथ साथ लाइक जैसे यूट्यूब पे जैसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वैसे ही करते हैं या वहाँ पे हाँ हैबिट्स मैं अलग करता है? हूँ, मेरा सो बेसिकली हॉबी वाइज कह लो या जो इंटरेस्ट वाइज कह रहे हो, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ फोटोज पड़े हैं, वाह और उसके साथ मैं राइटअप लिखता हूँ बढ़िया, मतलब जो मेरी इमोशन होती है उस फोटो को खींचते समय, वो इमोशन मैं वहां पे लिखता हूँ। तो मेरे रिकमेंडेशन में सिर्फ ज्यादातर वाइल्ड लाइफ ही दिखते रहता है, तो आजकल वाइल्ड लाइफ के बड़े रील्स आते हैं यार, वो ओशन के, और मैंने इस तरीके के, तो मैं बहुत देखता हूँ वो सब भी। यार इंस्टाग्राम ना बड़ा टाइम खराब करने का चीज है, यार मतलब वो फांस लेता है आपको, एक दिखाता वो है गेम अगला आता है बढ़िया उनको, दिखाता पूरा गेम है, आता हाँ है। ये हाँ मतलब फांस लेता है आपको ना, तो इंस्टाग्राम पे मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि भाई ये बंद कर, ये चलो छोड़ो इसको। और अब जैसे अगले जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे ऐसे कंटेंट मैं भेजता हूँ जो मुझे दिखता हूँ, तो मेरे मेरा ना टॉप होता है, तो जैसे मैंने कुछ देखा अच्छा लगा मैं रणवीर को भेजता हूँ, फिर मैं अरुणा भाई को भेजता हूँ टीवीएफ वाले,
उनको बड़ा भेजता हूँ मैं कंटेंट, और हम लोग कंटेंट एक्सचेंज करते हैं। फिर मेरे एक दो मित्र हैं, रक्षित केजरीवाल और भार्गव भार्गव शॉपिफाई इंडिया के हेड हैं, और रक्षित जो है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और दो चार स्टार्टअप चलाते हैं यूएस में, यूएस सिटीजन है वो, है हमारे यहाँ के देश के, बट तो उनका हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो हम कंटेंट शेयर करते रहे, तो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती वाले कंटेंट भी होते हैं, बट यू नो मैक्सिमम टाइम्स इट्स अबाउट नेचर वाइल्ड लाइफ, और मतलब कुछ जैसे किसी ने कभी कुछ अच्छा कहा नवल का वगैरह वगैरह, हम एक्सचेंज करते रहते हैं। वो मजाक मस्ती वाला भी कभी कभी करते हैं, मतलब किसी का डांस, किसी का कुछ, किसी का कुछ, है ना। तो हाँ, मतलब इस तरीके से मैं इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेंट देखता हूँ, स्टोरी वगैरह देख लेते हैं, मतलब वही यार रैंडम। इंस्टा की सबसे गंदी चीज मेरे को ये लगती है कि उस पर लॉग इन करना इतना, मतलब मैंने लॉग आउट कर दिया ना, लॉग इन इतनी इजीली हो जाता है ना, मतलब उन्होंने क्रैक करके रखा। बहुत सोच समझ के बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, बढ़िया है। और वो किताब के आने की वजह से मैं स्टोरी बिजी हो गई है, लोग टैग करते हैं तो यार वो शेयर ना करना थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है, तो मैं शेयर करते रहता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद मेरे को सारे लोग अनफॉलो ना कर रहे हैं अब धीरे धीरे, कि बोलते साला किताब ही शेयर करते होता है लगता है कि, है ना। अब यार कैसा होता है कि अब जैसे किसी ने शेयर किया राइट, अब उसका रीशेयर ना करो तो कभी कभी लोगों को बुरा लगता है, लोगों ने एक्सप्रेस भी किया है कि अरे भैया आपने हमारा शेयर नहीं किया ये वो, मैंने बोला अच्छा भाई करता हूँ भाई, कोई पैसे नहीं लग रहे मैं कर देता हूँ, लेकिन भैया कि मेरे को पक्का विश्वास है कि कुछ लोगों ने मेरे को पक्का म्यूट कर दिया होगा 100%, ठीक है कोई बात नहीं। बट दिस इज अमेजिंग, बट लाइक हमें और भी बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है, बट लाइक आज लाइक फॉर सम रीजन हमें जल्दी एंड करना होगा। रिचुअल रिचुअल रिचुअली बना लो फिर, करो महीने में। हाँ हाँ, मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ देश का, मेरे पर टाइम ही टाइम है बस ये। फिर 9 बजे के बाद आप लगे रहो मुन्ना भाई। अरे हाँ, हम तो करते ही रात को है सारे स्ट्रीम। आप आओ, जिस दिन आपको गेस्ट ना मिले आप मेरे को पिंग कर देना। सही बताओ, मतलब ऐसे नहीं, मतलब है तो हम, मतलब अगर आप, मतलब मजा आ जाएगा हमें, आप हमारी टीम से मिलो। आप मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप ऐसे हो गए कहाँ से। एक करते हैं ना, संडे को जूम कॉल रख लेते हैं, पूरे टीम से बात करते हैं। डन डन डन, ठीक है, ये ओपन ऑफलाइन करते हैं। वाणी नोट भी बना रही है। वाणी देखो, वाणी पकड़ लूंगी मैं। और वाणी बोल के आपने लाइव में बोला, आप तो छूट भी नहीं सकते, देखो जनता के सामने। भाई देखो कितने लोग देख रहे हैं अभी, 150 लोग देख रहे हैं अभी, 150 लोग देख रहे हैं, 150 लोग, 150, 150, हाँ 150 लोग वेल है मतलब आज। अरे बड़े बड़े लोग होंगे यार, मैं वेला बोल अभी। तो अभी जो 150 लोग देख रहे हैं गाइज, लाइक करिए स्ट्रीम। एंड मनीष, दिस वाज अमेजिंग। ये अभी हमारा पार्ट वन ऑफ मेनी पार्ट्स है ऑफ एनथ, मतलब ट्वीट करते हैं जब वन ऑफ एन। एज लॉन्ग एज आपके लिए हेवी नहीं और बोरिंग नहीं था, आई थिंक आप देखो हम हेवी में ही जीते हैं। हम जीत हम मनीष मेरे ना बेसिकली जैसे जो स्टॉक्स में हम जब छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करते थे, करते हैं अभी तो लॉकडाउन की वजह से, यार बड़ा बेकार है यार ये, मतलब यार मुझे ना वो टीम ऑफिस जाके काम करने बहुत मजा आता है, ये लॉकडाउन वाला सीन बेकार है, वो वर्क फ्रॉम होम ये सब ठीक है, मतलब अब बड़ा कंफर्टेबल कर दिया। अब मेरे को कोई बुलाता है ना कहीं आओ, मतलब पागल है जूम कॉल कर ले, क्यों बुला रहा है। so, कोई क्यों, किसी मतलब, अपूर्व का कमेंट है भाई, वेला बोल दिया पांडे जी ने। कौन, अपूर्व गुप्ता जी? नहीं, अपूर्व सिंह हमारे ये गॉडफादर है उनका, मतलब ये हमारे एक पेट्रन है उनका। अरे सर माफी चाहता हूँ, मैंने प्लीज ऐसे मत करो, मुझे लगा कि मतलब ठीक है। अरे नहीं, ऐसे ही बड़े ये खुद कॉमेडी करते हैं, बड़े मस्त बंदे, ऐसे मजाक में लिखा है इन्होंने। चलो as long as दोस्ती बनी रहे। तो ना मतलब मैं, मुझे ऐसा कहा जाता है कि मैं पार्टी का सोल हूँ, मतलब जब मैं नचाता हूँ लोगों को बहुत, लाइक यार जब पार्टी कर रहे हो तो नाचो ना फिर, मतलब खड़े क्या हो राइट। तो मैं वो टाइप ऑफ इंसान हूँ अब, और मैं कुछ मतलब कंज्यूम नहीं करता अल्कोहल वगैरह, बट मुझे यदि कोई देख लेना मुझे तो कहेगा ये सबसे बड़ा बेवड़ा यही होगा, इसी ने पी होगा सबसे ज्यादा। तो मैं ना जोन में चले जाता हूँ हर चीज के, आई लाइक बींग इन द जोन ऑफ इट राइट। मतलब यदि नाच रहे हो तो दीवाना बन के नाचो यार, मतलब क्या है, मतलब नहीं जरूरी थोड़ी तुमको माइकल जैक्सन की तरह सही डांस करना है, और तुम डांस इंडिया डांस में थोड़ी जाने वाले हो,
मतलब नाचो तो मैं नचाता हूँ बहुत लोगों को, और मुझे मुझे खुद भी पसंद है डांस वांस करना, तो मैं बहुत डांस बहुत वांस सही करता हूँ। बहुत सही। ठीक करते है तो एक पार्टी भी साथ मतलब में करते, क्योंकि मेरे को लाइटें अच्छी करना पसंद है। मैं नाचता नहीं हूँ, मैं लाइटें कितनी डिमनेस पे कि कहाँ से साउंड क्या आ रही है, मेरे को इनमें मजा आता लाइट, है। बाय द वे लाइट और साउंड पे एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं हम, मेरी बहुत हाँ स्टोरी है लाइट और साउंड पे, कि कौन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट से किस तरीके का मूड बनता है उसका, वो कौन अरे सा न्यूरोकेमिकल ट्रिगर करता है आपके दिमाग का, कौन सा कलर से क्या होता है, इस पे एक अलग ये बात कर करते सकते हैं, हैं ये मैं ट्रिपी मैं मेरी जीवन ही पूरा ये वाणी से भी आप हम। पूछना, हम पिछले 1.5 साल से स्ट्रीम कर रहे हैं सिर्फ ये, तो मतलब तो मतलब जैसे बड़ा साइंटिफिक है हमारा मतलब भारतीय म्यूजिक ना, जैसे अलग अलग राग बने हुए हैं ना, कि सुबह का राग, दोपहर का राग, शाम का अलग अलग राग है ना, तो है उसके पीछे का जो है कि साइंस कह लो या ज्ञान कह लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। तो इस पे भी हम कभी कभी साउंड वेव्स पे बातें कर सकते हैं, डन मैं यही सब डन। पढ़ता हूँ यार, मतलब नहीं नहीं करते हैं जिंदगी इस में यही पे। पढ़ता घोसला हूँ। का घोसला में डायलॉग है ना, वो जब इम्प्रेस होता था ना, सानी साहब एक दिन बैठना है आपके साथ, तो अभी वही हाँ फील आ रही तो है। गरम पानी लेके बैठेंगे गरम पानी हाँ लेके बैठेंगे, वार्म वाटर टॉक्स विद पांडे जी करके ऐसे करते हाँ हैं। ठीक है, बट लाइक बढ़िया दिस इज अमेजिंग यार। एंड गाइज डू ऑर्डर योर कॉपी ऑफ बूमिंग डिजिटल स्टार्स, एंड थैंक यू सो मच मनीष फॉर डूइंग दिस। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई एम रियली सॉरी सॉरी कि हम आज सिर्फ 1 घंटे ही ये डिस्कशन कर पाए। हम करेंगे, हम स्लो का भी स्लोएस्ट एक डिस्कशन करेंगे आने वाले नहीं, में। लेकिन देख लो मतलब रोटी पानी भी चलना चाहिए, पता चला चैनल आरल बढ़ाना है कि नहीं, नहीं मतलब नहीं लोग बोलेंगे भाई बढ़ेगा क्या हो रहा है। बढ़ेगा, वो तो बढ़ा के रहेंगे वो तो। आप पूछ रहे थे ना कि पहले आपने वो आई थिंक हमारे लाइव स्टार्ट होने से पहले आप, मैं आपको कुछ लाइव थोड़े बहुत हाँ टिप्स जी दे देता हूँ प्लीज जो बाकी प्लीज, लोगों को भी काम आए। हम सो एक वैसे हमें हमारे एक्सक्लूसिव भी देना, हम 81.6 के सब्सक्राइबर पे हैं अभी। 100K करना है आपको 100K फेब्रुवरी करना है के सर, 100K एंड करा तक, दो। ठीक है? हो सकता है, कैसे होगा पता है, आपके चैनल को फिल्टर करो फ्रॉम मोस्ट वॉच्ड वीडियोस टू लीस्ट वॉच्ड वीडियो, ठीक है? टॉप 20 वीडियोस के थंबनेल को चेंज कर दो, थंबनेल में 3 से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना लाल कलर, ग्रे कलर और व्हाइट कलर थंबनेल बनाते हुए, फोटो जो यूज करे हुए उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एक काम करता हूँ वानी, मेरे पास थंबनेल 101 का एक पूरा वो है, थीसिस बना रखा है मैंने, वो भेजता हूँ बहुत मैं आपको, सही, ठीक है? ये तो इसको वो भेजता हूँ, रीइंडेक्सिंग टाइप कुछ कहते हैं ना। रीइंडेक्सिंग है, हाँ हाँ जी रीइंडेक्सिंग, ठीक है? तो यदि चाहिए तो इस ये भी टाइट है थोड़ा, संडे वनडे को मैं बात कर सकता नहीं हूँ नहीं आपके हम टीम एक अलग से के। प्लीज कनेक्ट करते हैं, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए हाँ लाइक। तो उसका और ना डेटा मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, उसके बाद ये डायलॉग मैं भी मारता हूँ कि इन 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 गॉड आई ट्रस्ट एवरीबडी एल्स टू ब्रिंग डेटा, हाँ तो यू नो तो डेटा ड्रिवन अप्रोच है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब आप एक मरा हुआ भी चैनल मुझे दोगे तो उसमें मैं जान फूंकने की हिम्मत रखता हूँ, कोशिश तो कर ही सकता हूँ, यदि चल गया तो चल गया। तो आपका तो 80K है यार, मतलब 800K कराएंगे और क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच मनीष फॉर डूइंग दिस। जाने से पहले थैंक यू आपको भाई, एक लास्ट कोई चीज़, आई नो बहुत डिस्कशन करना है, बट कुछ लास्ट जाते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं जो हमने नहीं पूछा हो, बट जो आप जिसके बारे में कुछ बोलना चाहें। मुझे लगता है, और मैं इंटरनेट स्पेसिफिक कहूंगा, मुझे लगता है कि आप जब किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो बड़ा नाप तौल के करो यार, मतलब किसी के काम को सही या बुरा कहना, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं हो, तो लोग ना जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए जजमेंट पास, आप सजेशन दीजिए, सबमिशन ऑफ थॉट दीजिए, लेकिन कंक्लूजन्स मत बनाइए किसी के भी कंटेंट को लेके या कुछ भी। दूसरा चीज, सहन शक्ति थोड़ी सी होनी चाहिए लोगों को भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो आपको भी, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो ग्रो अ थिक स्किन, बट थोड़ा सहन शक्ति सब में होना चाहिए। पॉज लेना सीखिए प्लीज, एवरीबडी शुड लर्न टू टेक अ पॉज, यू नो हम बहुत भागा दौड़ी के जिंदगी में लगे हैं, यू नो हम इतना भाग रहे थे कि हमें नेचर को बताना पड़ा बाय ब्रिंगिंग व्हाटएवर, अब
आप जो भी कहो कि ये वायरस जो भी इसने जिस जिस तरीके से हमारे जिंदगी में एक कॉमा लगाया, राइट, आई थिंक दिस शुड बी अ लेसन दैट वी शुड ऑल टेक अ पॉज इन लाइफ. यू नो, अंधाधुन भागने की जरूरत नहीं है. सो एंड प्लीज ग्रो टुगेदर. अकेला ग्रो करके कोई मजा नहीं है. सो यू नो, एक कम्युनिटी ग्रोथ होनी चाहिए. मैं बोलते रहता हूँ बहुत ये कि मतलब यू नो, जिस तरीके से स्टार्टअप्स वगैरह बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से यू नो, हमारे कंट्री की कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज बन रही है, यूनिकॉर्न और जो भी बोलो आप, वैल्यूएशन वगैरह, दो चीज होनी चाहिए. यदि आप स्टार्टअप चला रहे हो तो वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यूएशन अपने आप बन जाएगी. ठीक है. और आई थिंक हमें ना 10,000 करोड़ की 10 कंपनी नहीं, बट 10,000 कंपनी 1-1 करोड़ की बनाने में फोकस करनी चाहिए. सो हर हर बिजनेस को ऐसे स्केल करो और ये वो, तो ठीक है, सब बिजनेस को स्केल होना चाहिए, बट स्टार्ट बहुत जरूरी है. तो सपोर्ट और एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को मदद करना, मुझे कंपटीशन नहीं समझ में आती, मुझे सिर्फ कोलैबोरेशन समझ में आता है. तो यदि कोलैबोरेट करके जिए तो सही रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, है ना. मुझे इलॉन मस्क बड़ा पसंद है, बट जब वो मार्स की बातें करता है मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ. मैं बोला ठीक है तू, बाकी सब मैं भगवान है तू, बट मार्स की बातों में मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ. आई थिंक हमें, ट्रस्ट मी, 99.99999% पीपल आर गोइंग टू डाई ऑन अर्थ, दे आर नॉट गोइंग टू डाई ऑन सम अदर प्लैनेट. सो यू मेक श्योर दैट द बरियल ग्राउंड और जो श्मशान होगा, भले आप जलाए जाओ या आप दफनाए जाओ, ऐसा ना हो कि प्लास्टिक हटा के आपको दफनाना पड़े. तो थोड़ा सा कंसिडरेट होना बहुत जरूरी है. तो दीज आर माई लास्ट थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू से टूडे. दिस इज़ अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच मनीष. बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये लाइव स्ट्रीम करके. एंड लेट्स कनेक्ट सून, और भी बहुत सारी बातें यस, करेंगे. और अभी आप अगर रुक सकते हैं कुछ मिनट और तो रुक जाइए, हम यहाँ हाँ पे जरूर अभी जरूर, ठीक एंड करते हैं स्ट्रीम. है, डन. एंड तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. एंड प्लीज़ थैंक्स गाइस. लोगों को, जो भी आपके भी फैंस हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए हमारा चैनल. हाँ प्लीज, चलचित्र टॉक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई ऑलराइट, आई एंड इट ऑन द बैक. थैंक यू.